टीवी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के सर एक और आफत आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार टी सीरीज ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के गाने अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शेयर किए, जिसके चलते महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की सिनेमा विंग के अध्यक्ष आमिर खोकर ने उन्हें ट्वीट के जरिए सीधी सख्त चेतावनी दी है, जिसके चलते भूषण कुमार ने उनसे माफी मांगी। आमिर खोकर ने ट्वीट करते हुए कहा, टी सीरीज को चेतावनी, पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के गाने टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल से तुरंत हटाए, वरना हम इनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही करेंगे। इसका विरोध सोशल मीडिया पर भी काफी किया गया। आपको बता दें कि ट्विटर पर हैशटैग अनसब्सक्राइब टी सीरीज ट्रेंड करने लगा था। MNS की धमकी और जनता के विरोध को देखते हुए टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने तुरंत आमिर खोकर और लोगों से माफी मांगी। उन्होंने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया से आतिफ असलम के गाने हटा दिए हैं। आपको बता दें कि भूषण कुमार पहले सिंगर सोनू निगम के निशाने पर थे। सोनू निगम ने आरोप लगाया कि दो बड़े माफिया म्यूजिक चैनल नए सिंगर्स को चांस नहीं देते और उनके गाए हुए गाने फिर किसी दूसरे से आवाज में डब करवा कर रिलीज कर देते हैं। सोनू निगम के सपोर्ट में सुनील पाल और अदनान सामी भी आगे आए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।